गीता पब्लिक स्कूल, शिवपुरी पब्लिक स्कूल और किड्जी स्कूल के बाहर चलाया गया हेलमेट अभियान। शिवपुरी में माननीय हाईकोर्ट जबलपुर पुलिस मुख्यालय व जिलाधीश शिवपुरी के आदेश के पालन में आज यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव और उनकी टीम के द्वारा गीता पब्लिक स्कूल व शिवपुरी पब्लिक स्कूल में बिना हेलमेट आने वाले बच्चे और उनके माता पिता व शिक्षकों को प्रवेश नहीं दिया गया। उन्हें बताया गया कि बिना हेलमेट के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके बाद जो भी वापस जाकर हेलमेट लेकर आए उन्हीं को स्कूल में प्रवेश दिया गया। गौरतलब है कि यातायात पुलिस के द्वारा कई दिनों से शिक्षण संस्थानों में जाकर हेलमेट का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिलाधीश शिवपुरी का यह भी आदेश है कि कोई भी शिक्षण संस्थान बिना हेलमेट के स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं देंगे, लेकिन स्कूल संस्थान आज भी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद आज ये कार्यवाही यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव के द्वारा की गई है। वहीं आपको बता दें कि किड्जी स्कूल में चेकिंग अभियान भी चलाया गया। यहां बच्चों को लेकर आने वाले सभी अभिभावकों को हेलमेट धारण करने की समझाइश दी गई। स्कूल संचालकों को आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए गए। ये एक पिता अपने चार बच्चों को मोटरसाइकिल पर लेकर आया, जो कि बहुत खतरनाक तरीके से बच्चों को स्कूल लेकर आया था। बच्चों को स्कूल छुड़वाकर संबंधित के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। सर, आज ये स्कूल के बाहर हेलमेट की चालानी कार्रवाई ना करते हुए समझाइश दी जा रही है, किस प्रकार से क्या कार्रवाई होगी? ये माननीय हाईकोर्ट जबलपुर का आदेश था कि जो भी स्कूल हैं उनको अपने सभी बच्चे जो आते हैं टू व्हीलर से, उनके माता पिता छोड़ने आते हैं, उनको हेलमेट लगा के प्रवेश देना। जिसके बाद जिलाधीश महोदय के द्वारा एक आदेश भी निकाला गया 10 तारीख को, और मेरे द्वारा कई स्कूल में जाके इसकी जानकारी भी दी गई है, जैसे कि आपके माध्यम से पहले भी सबको पता चल चुका है। उसके बाद ही मैं देख रहा हूँ कि स्कूल्स पालन नहीं करा रहे हैं, तो आज की मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ, तो जो बच्चे बिना हेलमेट के आ रहे हैं उनको मैंने वापस किया है, और हेलमेट लेके वो घर से फिर से आ रहे हैं तो उनको एंट्री दी जा रही है। कोई माता पिता जो आ रहे हैं उनको भी वापस कर रहे हैं हम लोग, और प्रशासन को भी इनको बता दिया, स्कूल प्रशासन को भी, कि भाई आप बैनर लगाएं, आप अपना गार्ड लगाएं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराएं, तब तक फिर कार्रवाई की जाएगी। आप तो फिर बच्चे जो हेलमेट लगा के नहीं आ रहे और बाद में वो हेलमेट लगा के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सही मैसेज भी जा रहा है? नहीं, बिल्कुल इससे मैसेज जाएगा, वो आप देखेंगे धीरे धीरे हेलमेट सभी लोग पहनने लगेंगे, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि हमारा देश के भविष्य हैं बच्चे, वो सुरक्षित हैं तो फिर हमारा देश भी सुरक्षित है, और आगे चल के यही हमारे भविष्य है। हेलमेट लाएंगे, इनकी जान बचेगी। अभी हेलमेट पे चालानी कार्रवाई की जा रही है? केवल नहीं, केवल इनको रोक के और हेलमेट के लिए बोला जा रहा है, हेलमेट लगा के जो आ रहा है उनको एंट्री दे रहा है।